मुड़िया मलूकपुर में नहीं हो रहा विकास, आवास के नाम पर प्रधान ने रखी 20,000 रुपए की मांग। एक तरफ तो सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने में रात दिन एक करे हुए है, वहीं दूसरी तरफ ग्राम प्रधानों की मनमानी के दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कहीं आवास के नाम पर तो कहीं शौचालय के नाम पर प्रधान द्वारा पैसे की वसूली का मामला आए दिन उजागर होता नजर आ रहा है। बताते चलें कि विकास खंड मुंडा पांडे के गाँव मुड़िया मलूकपुर का है। इस गांव के रास्ते आज भी कच्चे हैं, कीचड़ व गंदगी से देखने को मिल सकते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में प्रधान द्वारा कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है, जिससे गांव वालों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीण वचन सिंह और शहादत व ग्रामीणों का कहना है, 2 वर्ष पूर्व प्रधान इस रास्ते की ईंटें भी उखाड़ कर ले गए थे और अभी तक कोई भी सड़क निर्माण नहीं हुआ है, जिसके कारण नालियों का पानी बीच रास्ते पर बहता है, जिससे रास्ते में कीचड़ और गंदगी रहती है। नाम बताइए। वचन सिंह। वचन सिंह जी क्या कहना चाहते हैं आप, यहाँ बताइए विकास कार्य को लेकर। विकास कार्य में विकास हो रहा जाना चाहिए और हम तो कहाँ बैठे थे, अब तो कुछ भी नहीं है और चौमासे में इतनी कार में औरतें जाती हैं। हाँ, बहुत परेशानी होती है। कभी ग्राम प्रधान से शिकायत की आपने? बहुत बार। क्या जवाब देते हैं ग्राम प्रधान? करवा देंगे लेकिन अभी तक हुआ कुछ नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? सर आप। क्या दिक्कत क्या है तुम्हें? सर दिक्कत ये, रास्ता खराब था पहले से भी, तो जब मांग करी थी, शादी थी गांव में हमारे, जो शादी थी तो उसने मांग करी, उसने बोला कि एक महीने के अंदर खड़ंजा पड़वा दूंगा, खड़ंजा खोड़ के तो ईंटें भी फेड़ के ले गया। उसके बाद जब कही उससे तो उसने डलवाए ना, तो फिर गांव के 4-5 जनों ने जो इधर के मोहल्ले के थे उन्होंने चंदा डाल के अपने आप पा दिए शादियों तक। फिर जब से उसने उससे फिर मांग करी थी तो बोला कि डलवा दूंगा, जब से ऐसे ही पड़ा, ईंटें भी ले गए। अच्छा, ईंट ले गए उखड़ गए? कौन ले गए उखड़ के? प्रधान ही ले गए। कितने दिन पहले? सर 2 साल पहले थे। सर जब बारिश पड़ती है ना इसके अंदर, अब तो मुहासे का डैम का, जब चौमासे में बारिश पड़ती है तो कम से कम बहुत अंधा हो जाता है और निकलने में इतनी बड़ी दिक्कत आ जाती है इस पर कि आदमी पल्ली तरफ घूम के आता है या गाड़ी बाइक यहाँ का किसी घर पे खड़ी करता है जब अंदर हो जाता है अपने घर पे। वहीं महिला परवीन का आरोप है कि मैं टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर गुजारा कर रही हूं, ग्राम प्रधान ने आवास के नाम पर मुझसे 20,000 रुपए की मांग की थी कि मैं तुम्हारा आवास बनवा दूंगा, पैसे नहीं दिए तो ग्राम प्रधान ने हमारा आवास नहीं बनवाया और कहने लगे जो मुझे 20,000 रुपए पहले देगा तो उसका आवास बनेगा। नाम बताइए। परवीन जी, क्या परेशानी थी आपको यहाँ पर? परेशानी ये थी क्या करना, बरसात में घर गिर गए हमारे, हमने कॉलोनी की मांग करी, हमसे बोले कमीशन दो पहले तो 20,000 की। अच्छा। हमने दिया नहीं, हमें मिली नहीं। आपसे 30,000 रुपए मांगे कि 20,000 मिलेंगे तब आपको आवाज दिया जाएगा? हमें इसलिए मानी नहीं, हमें कार्ड दिया। किसने ये मांग किसने? प्रधान जी से। प्रधान जी ने जी? आपने 20,000 नहीं दिए, इस वजह से आपका मकान नहीं बना? जी नहीं बना। उसके बाद में आपने शिकायत की दोबारा? शिकायत करी, ये कहती क्या करना, हाँ सोचेंगे, सोचने के बाद भी कुछ नहीं, आज तक नहीं बताया, 2 साल हो गए, ये कहती मोदी सरकार में इसमें है नहीं कुछ। अच्छा। हाँ, ये आपके लिस्ट में ही नाम नहीं है, उन्होंने ये कहा था हमसे। दोबारा में ये कह दिया? दोबारा में। तो आपने 20,000 ये ना कहा कि आप 20,000 रुपए किस चीज का मांग रहे हो जो लिस्ट में नाम नहीं है? तो ये कह रहे थे कि हम तो पहले ले चुके हैं और हम तो तुमसे अभी लेंगे, हमारे पास अगर ऐसा मानो 20,000 रुपए भी होते, एक मेरे कहने का प्रॉब्लम क्या है, 20,000 रुपए होते तो मैं दीवार अपनी खुद नहीं बना लेती, दीवार बना के मैं टीन भी डाल सकती थी, सही है? जब मेरे पास पैसे नहीं, मैंने उन्हें दिया नहीं, उन्होंने मुझे कॉलोनी दी नहीं, बात ये है। यानी आपसे 20,000 रुपए की मांग करी थी ग्राम प्रधान ने? हाँ, 20,000 की करी थी। आपने पैसे नहीं दिए तो आपका आवास नहीं बनवाया? बिल्कुल कोई बात ही, सुनवाई नहीं हुई, ये नहीं देखे कहाँ पर रहना है कहाँ नहीं, 2 साल हो जाएंगे। सर सरकार ने 4 वर्षों में पंचायतों में काफी मात्रा में धनराशि मुहैया कराई है, फिर भी मुड़िया मलूकपुर गांव में तमाम रास्ते गंदगी और कीचड़ देखने को मिल सकती है, जिसकी तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम यहां मौजूद हैं ब्लॉक मुंडा पांडे के मुड़िया मलूकपुर ग्राम पंचायत में। यहाँ अभी भी काफी समस्याएं ऐसी मौजूद है जिनसे ग्रामीण यहाँ बहुत ही बुरी हालात में जूझ रहे हैं, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। और आइए जानते हैं कुछ ग्रामीणों से कि किस तरह की समस्याएं उनके आगे सामने जो है आती हैं, जिनसे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किस तरह का हल वो सरकार से चाहते हैं, किस तरह की मदद वो सरकार से चाहते हैं अपनी परेशानियों के हल के लिए, आइए जानते हैं कुछ ग्रामवासियों से। आपका नाम बताइए। मेरा नाम शहादत है। शहादत जी, आपके इस ग्राम पंचायत में हम देख रहे हैं काफी गंदगी का माहौल यहाँ पर है, साहब रास्ते बहुत तंग हैं, निकलने को लोग परेशान हैं। जी जी जी। और जो नवाजी लोग निकलते हैं भजर में तो बिल्कुल सन जाते हैं सब जी। और जो आप गंदगी देख रहे हैं, कितनी नाली उली सब बेकार पड़ी है यहाँ पे, प्रधान बिल्कुल आने के नहीं देख रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, किस तरह से इसका जो है समाधान यहाँ? अरे हम ये समाधान साहब कुछ भी ना, टेल बेल कुछ तो बघारा बिछना चाहिए, आजकल का माहौल देख रहे हो कितनी। सफाई कर्मचारी यहाँ नहीं आते ना? वो भी नहीं आ रहे साहब, ग्राम प्रधान तो कहा कभी? कभी इस बात की शिकायत आपने अपने गाँव की समस्याओं गंदगी को लेकर कभी कोई शिकायत? नौकरी करते हैं जा कहते हैं, वहाँ जाके कहते हैं तो अभी भेज देते हैं, मुश्किल कभी भी भेजते ना देते, महीने 6 महीने में शादी वादी होती है गाँव में, उसके बाद जब कहते हैं लग के
फिर उसके बाद एक आध बार आती है ना तो नहीं आती, यानी समस्याओं का कोई सुनवाई यहाँ है नहीं। और क्या, चार पाँच साल से हमें कोई काम कोई काम नहीं हो रहा यहाँ पे। प्रधान से शिकायत करते वो हमारी सुनता नहीं है, नहीं कोई विकास हुआ है। हमें कोई ऐसी गंदगी से भरा हुआ गांव है, नाली वाली सब बेकार पड़ी है। क्या करो, क्या जो पुराने ईंटें हैं वो भी उखड़ कर ले गए, पुराने ईंटें उखड़ कर ले गए। ना कोई शौचालय है, ना कोई शौचालय नहीं आप लोग, क्या करो मतलब भैया मट्टी चंदा डरवाई है भरने से पहले, मट्टी हमें डरवाई रास्ते में चंदा लेके।